करेंगे दादरा के नए कारनामे के हवाले से। एक नाम के दो शनाख्ती कार्ड बने हुए दो साल गुजर गए। साहिल नादरा ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गया मगर मसला हल ना हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शबीर हैदर जफर से जो वहां पर ही मौजूद हैं। शबीर, क्या मसला है, क्यों नहीं अभी तक ये मामला हल हो रहा? जी बिल्कुल, नादरा का आज एक नया कारनामा सामने आया है कि एक नाम के दो शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं जबकि उसके बावजूद दो साल गुजर गए हैं और जो साहिल है वो परेशानी, उसको परेशानी का सामना है। इस वक्त तो साहिल भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये दो शनाख्ती कार्ड हैं जिसमें एक का पता रहीम यार खान का बनाया गया और दूसरा जो है वो लिया का, ज़िला लिया का शनाख्ती कार्ड बनाया गया है और दोनों क्या है मोहम्मद इमरान नाम के शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। पहले मैं कानपुर में गया हूँ, उसके बाद मैं लिया में गया हूँ। लिया में उस आदमी को मैंने अपनी तरफ से ढूंढा है, उसको ढूंढने के बाद लिया के नादरा ऑफिस में लेके गया हूँ। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाएं जहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी। बाद में एक आदमी हमारी वेरिफिकेशन करने आया, एक दफ़ा तो मैंने खुद अपनी वेरिफिकेशन करवाई है, दूसरी दफ़ा नादरा की तरफ से एक आदमी 6 महीने पहले वेरिफिकेशन करके गया है। उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में उसने बोला कि आप हेल्पलाइन पर रब्ता करें, जिस दिन हेल्पलाइन से बात क्लियर हो जाएगी आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। परसों हमने हेल्पलाइन पे बात की है, उन्होंने कहा कि आपका मसला इधर से क्लियर हो गया है, आपने जिधर से शनाख्ती कार्ड का टोकन लिया था आप उधर चले जाएं, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। एपट्रोल शिमला फाड़ी वाले दफ्तर में जिधर से मैंने टोकन लिया था, पहले तो सिक्योरिटी वाला अंदर नहीं जाने दे रहा था, जब अंदर जाने दिया था तो उन्होंने फिर भी वेरिफिकेशन होने के बाद फिर भी मुझे यही कहा कि तुमने दो शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, दो साल से मुझे इसी तरह जलील कर रहे हैं, मैं किसके पास जाऊं, किसको अपनी फरियाद सुनाऊं। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना उनका कहना है कि दो साल हो गए हैं और दो शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं और दोनों शनाख्ती कार्ड पर तस्वीरें भी लहदा लहदा हैं, इसीलिए उनका कहना है कि आला हुकाम को चाहिए कि आला हुकाम इनके ऊपर एक्शन ले और ये जो मसाइल हैं इनको दूर किया जाए। शुक्रिया आपका शबीर हैदर, तफसीलात से आगाह।